हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आर्यन में स्वागत करता हूं। आज हिंदी का तीसरा मॉक टेस्ट है। इससे पहले हमने दो मॉक टेस्ट करवा दिए हैं, 40-40 क्वेश्चंस का। अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें देख ले जाके। ठीक, आज हम देखिए, हमने 39 क्वेश्चन तक पिछले वाले में कराया था, अब हम 40 से देखेंगे। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन है, जायसी ने किस भाषा में रचना की थी। आपको पता होगा जायसी की बहुत सारी रचनाएँ थी, बहुत ही प्रसिद्ध थी, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, इस तरह की। तो वो ज़्यादातर इन्होंने किस भाषा का वर्णन किया है, तो किसका किया है, अवधी भाषा का। ठीक, याद रखेंगे अवधी भाषा का। चलिए अगला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मूल स्थान क्या था, जहाँ इनका जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो आपको पता होगा इलाहाबाद, जिसका नाम क्या कर दिया गया है, प्रयागराज। ठीक, प्रयागराज बोल देंगे। ठीक, तो ये है इसका सही ऑप्शंस। अगला, सदुकड़ी भाषा किसकी है। देखिए सदुकड़ी भाषा सबको पता है किसकी है, कबीरदास की। ठीक, कबीरदास की, और इसी को हम पंचमेल खिचड़ी बोलते हैं, इनकी भाषा को हम पंचमेल खिचड़ी भी बोल देते हैं। ठीक, तो याद रखेंगे कि अगर आता है सदुकड़ी का नाम पूछ लिया जाए, पंचमेल खिचड़ी किसकी भाषा है, तो वो भी किसकी है, कबीर दास की। चलिए अगला है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। देखिए कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है, आपको पता होगा गीता, श्रीमद् भागवत और गोविंद गीत गोविंद और सूरसागर। देखिए सूरसागर किसके द्वारा लिखा गया है, सूरदास द्वारा, गीत गोविंद जयदेव द्वारा। ठीक, और गीता, ठीक है, तो हम पता चलता है गीता, गीता यही सबसे पुराना है, सिख सबसे प्रधान ग्रंथ है और सबसे प्रथम ग्रंथ है, पुराना ग्रंथ कह सकते, तो यही हो जाएगा हमारा सही ऑप्शंस। ठीक, अगला है, रामचरितमानस के कितने सोपान हैं। तो कितने सोपान हैं रामचरितमानस के, ये क्वेश्चन कितने हैं, 7 हैं। आपको बताना है इसके जो खंड हैं उसमें सबसे छोटा खंड कौन सा है और सबसे बड़ा खंड कौन सा है, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि रामचरितमानस में सबसे बड़ा खंड कौन सा है और सबसे छोटा खंड। ठीक, चलिए अगला है, कबीर के प्रमुख शिष्य थे। ठीक, कबीर के कौन शिष्य थे, इनमें से रैदास, धर्मदास, दादू या सुंदरदास, तो कौन थे, धर्मदास। देखिए यहाँ कबीर के शिष्य की बात की जा रही है, गुरु जी की नहीं ना, नहीं आप लोग रामानंद बोलो ऐसे कुछ नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर कबीर के शिष्य की बात की जा रही है, तो कौन हो जाएंगे, धर्मदास जी। ठीक, अगला है, कबीरदास जी किस शाखा के कवि थे। तो कबीरदास जी किस शाखा के कवि थे, आपको बताना, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी या सगुण भक्ति या राम भक्ति। तो किसके थे ये, सबको पता है ज्ञानाश्रयी के ना, इस इन्हें ये किसी भी के ऊपर बिलोंग नहीं करते थे, ये अपना ज्ञान के माध्यम से प्रचार प्रसार करते थे। ठीक, चलिए अगला है, मगही किस उपभाषा की बोली है। देखिए मगही किस उपभाषा की बोली, देखिए और मगही, भोजपुरी और मैथिली, ये तीनों के तीनों किसकी हैं, बिहारी उपभाषा की। ठीक, अब आपको पता है हमने पूर्वी के बारे में बताया, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती हैं, ये पूर्वी हिंदी हो जाती है। पश्चिमी में आपका ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, ये सब आ जाती हैं पश्चिमी हिंदी में। राजस्थानी में आपको पता है कि राजस्थान की जो भाषाएँ हैं वो आ जाती हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, हिंदी खड़ी बोली किस अभ्रंश से विकसित हुई। तो हिंदी जो खड़ी बोली है वो आपकी सौर सेनी अभ्रंश से विकसित हुई। खड़ी बोली किस में आता है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। ठीक, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, तो खड़ी बोली, ब्रजभाषा, ये सभी चीज़ें क्या हैं, सौर सेनी से। ठीक, सौर सेन का मथुरा के इलाके के आसपास की भाषा को हमने सौर सेनी अभ्रंश नाम दे दिया था। ठीक, अगला है, भारत के भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनः संरचना की गई थी, कब इनका संरचना किया गया, सब कब संगठित किया गया, मतलब कि भाषा के आधार पर राज्य गठित किया गया, कौन सा राज्य कब पहले गठित किया, ये सब चीज़ें पूछा रही। तो इसके आधार पर कब 1956 में शुरुआत हुई थी, और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही है वो भी। ठीक, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य गठन हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो इसको याद रखेंगे, किसका किया गया, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। तो किसका किया गया है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सबसे पहले भाषा के आधार पर गठित किया गया था। ठीक, भाषाई आधार पे। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखेंगे। अगला है, बघेली बोली किस संबंध की उपभाषा से है, मतलब बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। तो हमने बताया है ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो ये हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक, जबकि राजस्थानी के अंतर्गत राजस्थान वाली है ना, ढूंढाड़ी या फिर जयपुरी है ना, और भी इसकी 2-3 भाषाएं हैं। ठीक, और बिहारी के अंतर्गत जो भोजपुरी हो गई, मैथिली, मगही हो गई। ठीक, और आपको बता दें कि जो मैथिली भाषा है वो एकमात्र आपके कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है। ठीक, 18 भाषा जो 22 भाषाएं हैं उनमें शामिल है। ठीक, एकमात्र, और भोजपुरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली हिंदी की बोली है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, अमृता प्रीतम किस भाषा के साहित्यकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कागज़ कैनवस है ना, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध ये साहित्यकार हैं, किस भाषा की, पंजाबी भाषा की, याद रखेंगे अमृता प्रीतम के बारे में। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे UPSI में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, याद रखेंगे इनके बारे में। ठीक, अगला है, हिंदी साहित्य के
किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? शमशेर बहादुर को। ठीक, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। ठीक, तो याद रखेंगे। अगला है, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, है ना, ये किसकी पंक्तियां हैं? ठीक, ये किसकी पंक्तियां हैं, तो ये चीज़ आपको बताना है। तो इसके बारे में किसने बताया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, अगला है, गुरु गोविंद दोउ खड़े काके लागे पाएं बलिहारी गुरु आपनो गोविंद देव, बताइए किसकी पंक्तियां हैं, ये किस इसके रचयिता कौन है? देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके यूपी टेट सी टेट में पूछ ले आते हैं। ठीक, और यूपीएसआई में भी एक आध क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल गए हैं, तो इनके बारे में देखेंगे। तो किसकी हैं ये? कबीरदास जी की। ठीक, अगला है, निम्न में से राष्ट्रकवि कहलाते हैं, राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? तो किसको कहा था? मैथिली शरण गुप्त को। ठीक, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा था। इनकी भारत भारती जो रचना थी, है ना, उसे राष्ट्र रचना कहा गया है ना, इस तरह से। तो याद रखेंगे, जो राष्ट्रकवि हैं वो किसे कहा गया? तो मैथिली शरण गुप्त को। ठीक, इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, वो आप लोग देख लेना। ठीक, अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग हमें पता है किसकी है? धर्मवीर भारती की, है ना। अंधा युग, कर्णप्रिया, सूरज का सातवां घोड़ा, इस प्रकार से इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जो कि आपके एग्जाम में पूछी भी जाती है। ठीक, अगला है 58 नंबर क्वेश्चन, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विद्वान क्या होगा? विदुषी, विदुषी होता। ठीक, विद्वान का विदुषी होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, कई बार ये पूछा भी जा चुका। ठीक, कहीं कहीं होता कि विद्वान महिला लिखा होता, तो वो बिल्कुल गलत होता है, गलत हो जाएगा, क्योंकि विद्वान महिला नहीं, विदुषी आप लिख सकते हैं, जो कि बहुत ही सटीक आंसर होगा। ठीक, विदुषी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, हिंदी में मूल रूप से कितने वर्ण होते हैं? तो आपको पता है कितने होते हैं? 52 होते हैं मूल रूप से। ठीक, जिसमें स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 मूल रूप से, और व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। ठीक, व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33, याद रखेंगे। ठीक, और दो अयोगवाह होते हैं, और चार क्या होते हैं? संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन। ठीक, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर, राम अयोध्या के राजा थे, इसमें कौन सा चिन्ह प्रयुक्त हुआ? देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम देखते हैं, तो केवल और केवल ये वाला चिन्ह प्रयुक्त हुआ है, ये कौन सा है? आपका पूर्ण विराम, आपको पता है कौन सा है? पूर्ण विराम। ठीक, तो इस पूरे अध्याय में ये पूर्ण विराम का चिन्ह है, तो हमारा कौन सा पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? अगला है, वह चलते चलते रुक गया, यह वाक्य है। देखिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए कि रेखांकित कर देना चाहिए थे यहाँ पर, तो इसको पूछ लेते, ये क्या है चलते चलते क्या है? तो ये देखिए, चलते चलते क्या है? ये आपका क्रिया विशेषण है। क्यों? देखिए, चलना क्या है? ये रुक गया, रुकना क्या? क्रिया, मगर कब? चलते चलते, चलते चलते रुक गया मतलब क्या? क्रिया विशेषण होगा। ठीक, चलते चलते क्या हो जाएगा? आपका क्रिया विशेषण। अगला है, कौन्तेय कहा जाता है, कौन्तेय किसे कहा जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन्तेय किसको कहते हैं? तो अर्जुन को हम कौन्तेय कहा जाता था। ठीक, चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द बौद्ध भिक्षुक का अर्थ देता है? तो कौन देता है? श्रमण। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है, महाभारत में पार्थ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? जो महाभारत आपने देखा होगा, उसमें पार्थ का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? अगर आपने महाभारत नाटक देखा होगा, तो उसमें अर्जुन को श्री कृष्ण जी पार्थ बोलते थे ना, किसको किसके लिए? अर्जुन के लिए। ठीक, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक, चलिए अगला है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। देखिए, विद्वान व्यक्ति है ना, व्यक्ति का ऐसा विद्वान, तो विद्वान क्या है, कैसा है? तो विद्वान क्या है? किसी का गुण है ना, तो हमें समझ में आ जाएगा क्या? गुणवाचक विशेषण। ठीक, विशेषण चार प्रकार का होते हैं, चारों दे रखे हैं, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, क्योंकि विद्वान क्या है? गुण है ना, किसी के अंदर का गुण है विद्वान। ठीक, अगला है, भोजपुरी कहाँ बोले जाती है? देखिए, उस हिसाब से देखते हैं, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए, तो फैजाबाद में कुछ कुछ बोले जाते हैं, मगर ये पूरा सटीक आंसर सही नहीं हो जाएगा। ठीक, आपके गोरखपुर से लेकर के मतलब फैजाबाद में तो बोली जाती है कुछ बहुत, है ना। अगर पूर्णतया पूछा तो ये बिहार की एक बहुत ही अच्छी भाषा है, उसके साथ साथ जो भी आपके उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल वाले स्टेट है ना, जैसे कि आपका बलिया हो गया, है ना, इस तरीके से जो पूर्व से लगे हुए स्टेट हैं, बिहार से लगे हुए स्टेट हैं, वहाँ बहुत ही तेज़ी से बोली जाती है। ठीक, और ये विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली हिंदी की बोली है। ठीक, भोजपुरी विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली हिंदी की बोली है। ठीक, हिंदी की बोली, ठीक, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी प्रभाव के अंतर्गत किस शब्द से हुई? हमने बताया था कि जो व्यापार करने आते थे हिंद, वो सिंधु नदी को समझ के सिंध प्रांत बोलते थे। ठीक, तो सिंधु प्रांत से ही हिंदी शब्द का विकास हुआ था। ठीक, और ये फारसी प्रभाव के कारण हुआ था ना। अगर पूछ ले हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है। ठीक, तो याद रखेंगे, ये सिंधु भाषा के सिंधु शब्द से ही हिंदी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक, चलिए अगला है, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये किसकी पंक्तियाँ हैं? हमारा 68 नंबर क्वेश्चन है, तो ये किसकी पंक्तियाँ हैं, ये आपको बताना है। तो किसकी पंक्तियाँ हैं? जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कृष्ण कहाँ के राजा थे, कहाँ के थे, मथुरा, श्रावस्ती, द्वारका या फिर गोकुल? तो आपको पता होगा द्वारकाधीश कहा जाता था ना, तो कहाँ के हो जाएंगे ये, द्वारका के, है ना, द्वारिका के। अगला है किसे विदेह कहा जाता था, ठीक, तो किसे विदेह कहा जाता था, तो ये बताना है आपको कि विदेह किसे कहा जाता था, तो हम बता दें इसका सही आंसर क्या जाएगा, राजा जनक, राजा जनक, जो जनक के राजा थे। अगला प्राकृत किसकी भाषा थी, हमने बताया प्राकृत किसकी थी, तो जैनियों की। इसमें महावीर जी ने जैन में अपने जो भी उपदेश दिए थे वो किसमें दिए थे, प्राकृत भाषा में, ठीक। ये पाल के बाद की भाषा है प्राकृत, और बौद्धों की क्या थी, पाल थी ना, जिसे हम प्रथम देश भाषा बोलते हैं, है ना, प्रथम देश भाषा पाल को कहा जाता है, याद रखेंगे। और देव देश भाषा बोली जाती है ना, देव भाषा की बात करेंगे, देखिए देव भाषा क्या होता है, संस्कृत होता है, मगर जहाँ पर देश भाषा बोली जाए वो आपका पाली हो जाएगा, ठीक। देव भाषा संस्कृत हो जाएगी, आर्य भाषा संस्कृत हो जाएगी, मगर देश भाषा क्या होगी, प्रथम देश भाषा पाली को बोलते हैं ना, और पाली किसकी थी, बौद्धों की पाली थी, ठीक, तो याद रखेंगे। अगला कहते हैं प्रेम सागर किसकी रचना है, प्रेम सागर किसकी रचना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी है, लल्लू लाल की, ठीक, किसकी है, लल्लू लाल की। अगला गोबर किस उपन्यास का पात्र, देखिए गोबर, देखिए किसान गोदान एक कैसी थी, ये मुंशी प्रेमचंद की रचना थी गोदान, ये कृषक से रिलेटेड थी, कृषि से रिलेटेड थी, तो उसी में इसका एक पात्र था, ठीक। अगला निम्नलिखित में से छायावादी लेखक का नाम बताइए, देखिए इसमें चार स्तंभ थे छायावाद के, जयशंकर प्रसाद के साथ में, ठीक, तो इसमें से एक अभिनय सॉरी जो एक राइटर थी, है ना, फीमेल राइटर, वो महादेवी वर्मा जी थी, ठीक, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला रानी केत की कहानी किसकी कृति है, तो किसकी है, सैयद इंसा अल्लाह खान की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे, रानी केत की कहानी, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसकी है, इंसा अल्लाह खान की, कई बार पूछा भी जा चुका, तो इसलिए इसको जरूर याद रखेंगे, ठीक। अगला है जायसी किस धारा के कवि थे, सबको पता है जायसी किस धारा के कवि थे, देखिए ये प्रेम गार्गी, ठीक, प्रेम मार्ग के कवि थे, इन्होंने प्रेम से रिलेटेड वर्णन किया कि इसमें इन्होंने बादलों के माध्यम से प्रेमी और प्रेमिका के जो संदेश थे वो भेजने की कोशिश की था, तो बहुत ही अच्छा वर्णन इन्होंने किया था। अगला है प्रेमचंद्र शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे, ये कथन किसका है, ये कथन किसने कहा कि जो प्रेमचंद थे वो किसानों की बातों को या आवाज़ों को उठाते थे, है ना, तो ये कथन किसका है, तो संपूर्णानंद का, डॉक्टर संपूर्णानंद का। अगला है कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पूछा भी जा चुका है ये आपके आपके पेपर में, तो कहाँ हुआ था, ग्वालियर में, ठीक। अब आखिरी क्वेश्चन है प्रेम वाटिका में किसका वर्णन किया गया, सामान्य प्रणय का या कृष्ण श्री कृष्ण और राधा के प्रेम लीला का या श्री कृष्ण दिनचर्या का, तो सबको पता है इनके प्रेम का वर्णन किया गया था, ठीक। तो ये आपके टोटल 39 क्वेश्चन थे, ठीक, तो इनमें से आपने कितने सही किए वो हमें कमेंट करके जरूर बताना है, और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, क्योंकि इसी तरह के मॉक टेस्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए आपके लिए एक हम क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, आपको उसका आंसर बताना है, ठीक। तो हमने पूछा था कि रामचरितमानस का सबसे बड़ा काव्य कौन सा है, सबसे बड़ा खंड कौन सा है और सबसे छोटा खंड कौन सा है, इसका अगर आपको आंसर पता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। जो रामचरितमानस है उसका सबसे बड़ा कांड, जैसे कि बाल कांड है, अयोध्या कांड है, है ना, इस तरीके से लंका कांड है, तो इस तरीके से सुंदर कांड है, इसमें से कौन सा बड़ा कांड है और कौन सा छोटा कांड है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी देखने को मिले हैं। तो चलिए आपको कमेंट करके बताना है, और वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।